गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल द खराब डे 52 एंड आई एम अमित पासवान। आई एम ट्रैवलिंग ऑल 29 स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑन फुट और हमारी सुबह यहाँ हुई है। अभी मैं टेंट के अंदर हूँ। ये उधर नेशनल हाईवे है, वो ढाबा है और वो पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल। और मैं हम डे 51 के रात में हम यही सोए थे और डे 52 आज स्टार्ट हो रहा है। अभी शेयर करने को कुछ है नहीं, सो के उठाऊँ तो मैं बस ब्लॉग बना ले रहा हूँ। करता हूँ आगे आपके जर्नी में, दिखाता हूँ कि हमारी जर्नी कैसी रही आज डे 52 की। बने रहो वीडियो पे, बाय बाय। भाई कहाँ धोऊँ कपड़ा ये बताओ, पहना हूँ मैं, हैकने लगा है कपड़ा, शरीर बोल रहा है कि नहा लो बे। यहाँ पे ये हो रहा है, मतलब वो जो आप नेकेड देख रहे हो भैया को, इनकी होटल है। हम रास्ते में चल रहे थे और उन्होंने रुकवा के पानी, मतलब ये पानी पी रहे थे, उन्होंने तो खाना खा के निकले हैं, तो फिलहाल ये पानी एक्सेप्ट करते हैं उनका और थैंक यू सो मच उनको, बस फिर आगे बढ़ते हैं। अब काफ़ी धूप हो गया यार, रात तो काफ़ी ठंडी हो जाती है पर दिन में बहुत गर्मी हो जाती है। और मैं यहाँ पे हूँ नेशनल हाईवे 16 पे और ये भैया मिले मुझे और इन्होंने मुझे रुकवा लिया और बोला कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए आप कुछ बोल दो, आप जो कर रहे हो जो सारी चीज़ें। तो बोले कि ओके, तो ये अपने फेसबुक पे लाइव आए और मुझे रिकॉर्ड कर लिया ये भैया। तो हेलो, तो आप अपने बारे में कुछ बताओ, कहाँ से, अपने बारे में आप कुछ बताओ। मेरा नाम से सरोज कुमार, मेरा नाम सरज परिडा। हाँ, मैं उड़ीसा का रहने वाला क्या है, डिस्ट्रिक्ट के बालेश्वर। मैं घूमने के लिए वेस्ट बंगाल आया था। अभी मेरा साथ एक भैया रास्ता में पैदल चल चल जा रहा था, मैं देख के यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा लगा। सारा इंडिया से बोलता है, ये मेरे भाई के मैं सलाम है, भारत माता की जय। धन्यवाद धन्यवाद भैया, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ये रास्ते में दादा मिल गया, बोले कि क्या है ये, प्लीज़ दिखाओ प्लीज़ दिखाओ, जिद करने लगा बच्चों की तरह यार। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो बोला ठीक है चलो लो दिखाता हूँ। थ्री 51 टाइम हो गए हैं और ये नेशनल हाईवे और हम अभी तक भूखे हैं। अभी हम लोगों ने कुछ नहीं खाया और ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं किया, मतलब 20 किलोमीटर हुआ होगा ज़्यादा ज़्यादा मैक्सिमम, और हम लोग थक गए हैं। पता नहीं, कल वैक्सीन लिया हूँ शायद इसलिए अजितेश को भी थोड़ा लो फील हो रहा है उसको भी, और मुझे भी ये हाथ भी दर्द हो रहा है मे भी वैक्सीन लेने के कारण। पर बस यही है कि लाइक इतना हो गया, इतना टाइम इतना ही चले, बहुत ज़्यादा थक गए, एनर्जी नहीं है और खाना भी नहीं खाए हैं। इसी टपरी पर बैठे हुए हैं हम लोग और कब तक बैठे रहेंगे आई डोंट नो। तो अभी फ़िलहाल यहीं पे बैठते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बाय बाय। ठंडी बढ़ गई है यार, वैक्सीन लगवाया हूँ शायद इसके कारण और ठंडी लग रही है या फिर पता नहीं, पर हाथ पैर पूरे कनकना गए हैं, मतलब ठंडे हो गए हैं। और यहाँ पे ये कोई ढाबा वाबा कुछ होटल वगैरह मिला है, बट यहाँ से आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे स्टे करना अच्छा रहेगा। टाइम हो गए हैं 6:30-7 बजने वाले हैं और अब हम सोच रहे हैं यहाँ से हम मूव करें, यहाँ पे रहना सही नहीं होगा तो, क्योंकि यहाँ पे वाइब्स नहीं है, दारू वारू पी रहे हैं लोग, मतलब पता नहीं रात बिरात में क्या हो सकता है। हम लोग और आगे बढ़ते हैं, रात देखते हैं। अभी 25 किलोमीटर ऑलमोस्ट चल चुके हैं तो चलते हैं यार, यहाँ से निकलते हैं। मैं अपना रिफ्लेक्टर पहन लेता हूँ क्योंकि रात में हाईवे पर चलना इज़ नॉट सो सेफ़, तो मैं इसको पहन लेता हूँ ताकि मैं थोड़ा सेफली ट्रैवल कर पाऊँ। ओके अभी मिलते हैं, इसको पहन के चलते हैं, जहाँ पे स्टॉप करते हैं डेस्टिनेशन वहीं पे बात करते हैं। ठंडी लग रही है यार, बाय बाय बाय।
है ये ORS देखा ओके इतना सारा ORS अरे यार और हमारे भैया यहाँ का जगह का नाम और अपना नाम बताइए ना। मेरा नाम शांतनु मोहंता है जी। और ये जगह का नाम चातवीवाड़ा बाजार है। यहाँ पे बहुत सारा ORS मिला है अपना। मैं आज छत्तीसगढ़ रायपुर भाई साहब पहुंच गए हैं हम नेशनल हाईवे 60 पे और यहाँ पे हमें मिला है एक ढाबा और यहाँ की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। कहानी कुछ ऐसी है कि हम पहुँचे इस ढाबा में और इस ढाबा में पहुँचने के बाद हमने बोला दादा खाना मिलेगा, दादा ने बोला हाँ खाना मिलेगा, हम बोले दादा हम यहाँ पे रह सकते, बोला कि हाँ रह सकते बट एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि दादा बोले कि हम यहाँ से चले जाएंगे 10-11 बजे होटल बंद करके, मतलब चले जाएंगे का मतलब उन्होंने बोला कि होटल को बंद कर देंगे और चले जाएंगे। तो बोले हम लोग कैसे रहेंगे, आप लोग अंदर रहना। आई वॉज लाइक कि इतना सारा सामान आप हमारे भरोसे छोड़ के चले जाओगे, हाँ चले जाएंगे हमको भरोसा है आप पे। हम बोले ओ माई गॉड, तो दादा को इतना भरोसा है हम पे कि वो अपना सारा सामान अपना होटल ये देखो ये पूरा ये सब हमारे भरोसे छोड़ के ये चले जाएंगे। बताओ क्या बात है, मतलब इतना भरोसा लोगों को हम पे, अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लगा। लाइक लेकिन हमने भी मना किया कि लाइक नहीं दादा, मतलब ऐसे हम रिस्क नहीं ले सकते कि लाइक आप हमें पर छोड़ के चले जाओ, ये बहुत अच्छी बात है पर लेकिन अगर कुछ हुआ तो बोलते अरे रहो ना रहो ना रहो ना रहो ना, वो बोले रहो ना यहीं रहो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कुछ होगा, कुछ होगा तो मेरी जिम्मेदारी, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोला जाएगा। बोल लाइक यार मतलब बहुत अच्छा लगा। फिर अरे ये हैं ऑनर दादा, यहाँ पे ये हैं इन्हें की होटल है और यहीं पे जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि लाइक मतलब आपको पता है कि हमें भैया लोग मिले, आप और जो मैं भैया से मिला रहा हूँ जो उन्होंने मतलब वो बहुत सारे ORS एंड पानी एंड बहुत सारी क्या क्या चीज़ें जो हमें अभी लव ऑफ टोकन दिया था वो फिर यहाँ पे आ गए। ये दोनों भैया यहाँ पे आ गए और फिर से हम लोगों को ये देखो हम लोगों को आके यहाँ पे ये देख के चले गए, लाइक मतलब ये देने के लिए आ गए। ये इसके अंदर है ग्लूकोज और ये पता नहीं बहुत सारी चीज़ें, ग्लूकोज एंड ऑल दैट, ये सब आए और देख के चले गए। मतलब वाओ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल इस जर्नी को यहीं पे आज डे 52 को यहीं रैप अप करते हैं। ओके डे 52 को रैप अप करते हैं। सो इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द वीडियो। दादा जा रहे हो क्या? अच्छा तो आप बोल दिए और तुम लोग आप घर रुक सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, थैंक यू दादा, ओके थैंक यू दादा, थैंक यू। सुन लिया तुमने? हाँ हम तो सुन ही लिए। हाँ तो ऐसा हो गया। तो सो फिर हाँ फिर से इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे मेरा इंस्टा का यूज़र आईडी है, वहाँ पे जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ फॉलो कर लेना डायरेक्टली, क्योंकि ये जो वीडियो तुम देखोगे ये 2-3 दिन पुरानी वीडियो होगी। तो लाइव अपडेट चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। तो अभी के लिए बाय, हम खाते हैं खाना और जाते हैं सोने। शुभ रात्रि।